अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। पाकिस्तान के इंतखाबी अमल पर एक दूसरा खुदकुश हमला हुआ है। पीटीआई और बाकी जमातों की तरफ से तो जाहिर है फॉर्म 45 के हवाले से अपने हक में जो इंतखाबी नतीजे है उसका एक दावा किया ही जा रहा है, मगर पीडीएम पार्ट 2 की जो जमातें हैं जिन्हें अगली हुकूमत बनानी है उनमें एक अहम जमात MQM जिनके मुतालिक कहा जाता है कि उनका कराची और हैदराबाद का पूरा मैंडेट ही जाली है, वहाँ एक के बाद दूसरी आवाज़ें सुनाई पड़ रही है। पहली आवाज़ जो मुस्तफ़ा कमाल की थी, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल ने जो गुफ्तगू की वो आप सुन ही चुके हैं और इस पर मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में गुफ्तगू भी की है। अब नई आवाज़ गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की है। शबे भरत को होने वाला राबता कमेटी का ये इजलास कोई एक से डेढ़ घंटे पर मुहित था, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल ने भी गुफ्तगू की थी, कामरान टेसोरी ने भी और दीगर रहनुमाओं ने भी गुफ्तगू की थी। मुस्तफ़ा कमाल की ऑडियो आप समाप्त कर चुके हैं, अब ज़रा गवर्नर सिंह कामरान टेसोरी की ये गुफ्तगू भी सुन लीजिए। जो कुछ भी आज मैंडेट के साथ अशर हुआ है और कोई कह रहा है फेक है, कोई कह रहा है कि दिया हुआ है, उसकी वजह भी आप ही लोग हैं, क्योंकि हम तो पीटीआई के साथ हुकूमत में बैठे हुए थे, आप दोनों लोग अपोजिशन में थे, पीपल्स पार्टी और लोग नहीं, बल्कि आप लोग जेलों में जाने वाले थे। ये तो हमने आगे आके 7 वोट आपको दिए और उस 7 वोट देने की वजह से जो हमारा वोट बैंक था वो नाराज भी हुआ और इस बार वो हमें उसने वोट भी नहीं दिया, क्योंकि उसने तो वो उन हालात में भी जब आपने जबरदस्ती पीटीआई को दिलाई थी उस वक्त भी जो 7 सीटें हमें मिली थी वो हमारा अपना मैंडेट था। तो ये बात भी उनको हमने एहसास दिलाया कि भाई आप उस 1.5 साल को भी देखेंगे हम आपके साथ चले और उसका सारा बेनिफिट आप दोनों पार्टियों को, एक वजीर आजम बना लिया, एक ने फॉरन मिनिस्टर बना दिया, और उस वक्त भी आपका रवैया 140A को लेके, डिलिमिटेशन को लेके या उस एग्रीमेंट को लेके जिसपे सबने साइन किए थे, शहबाज शरीफ साहब समेत जरदारी साहब ने, बिलावल ने, लेकिन उस पर मनोबल जो है अमल दरामद नहीं हुआ। और आज अगर हम इतना सीटें लेकर आए हैं और इस पर हमारे लिए पीपल्स पार्टी अगर आपको ये सब बातें कर रही है, डिक्टेट कर रही है और अगर आप हमारे हाथ बांध के उसके सामने ही डाल देंगे तो ये मुनासिब चीज नहीं है। और बात ये है कि अगर हमें मैंडेट मिला ही है जिस तरह औरों को मिला है, हमने ये भी सुना दिया कि अगर हमारा 100% वाला है तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसी भी पार्टीज मौजूद है, उन्हीं की तरफ हमारा इशारा था कि उनका 200% जारी है, यानी जिनको रात में और दिन में मिला के भी नहीं मिला, दूसरे दिन मिला है, तीसरे दिन जाके वो 200% वाले। तो ये बात भी हमने बड़ी क्लियरली उनको समझा दी। अब फैसला जाहिर है राबता कमेटी ने, आलिफ भाई ने, हम सब ने मिलकर करना है कि हम किस हद तक उनके प्रेशर में आते हैं। प्रेशर उनका सिर्फ एक है, वो ये कि जाहिर है दोनों पार्टियां आपस में मिली हैं, उनके नंबर पूरे हो गए और उनको उन्होंने सदर पाकिस्तान का अहदा दे दिया है, चेयरमैन सेनेट दे दिया है, 2 गवर्नर दे दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई उनको ये पीपल्स पार्टी उनको ये प्रेशर कर रही है कि जो सिंध की गवर्नरशिप है वो MQM को ना हो, और अगर वो भी तो वो नाम हो जो वो उनमें डाल रहे हैं, और एक नाम उन्होंने खालिद भाई को दिया भी है, खालिद भाई चाहे तो बता दें। लेकिन मेरा ये मानना है कि चाहे गवर्नरशिप हो उसका फैसला MQM पाकिस्तान का, उसकी राबता कमेटी का, उनके डिक्टेशन पे नाम नहीं होगा। इसी तरह से मुस्तफा भाई ने कहा कि अगर हम आज भी इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि हम जाके उस हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसको पूरे सालों साल गालियां ही पड़ रही है, उसका सिलसिला शुरू भी हो चुका है जो हनीफ अब्बासी साहब के साथ और ख्वाजा साहब के साथ हो, लेकिन अगर हम साथ दें भी और वो गुनाह बेनज़र वाली बात है कि कुछ मिले भी नहीं, वजारतों में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिले, गवर्नरशिप भी वो अपनी करवा लें और हम हुकूमत का हिस्सा भी हों, वोट भी दें, तो फिर हमारा हशर और बुरा होने वाला है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी अपनी इस गुफ्तगू में 3-4 एतराफात कर रहे हैं और 1-2 मामलात और मसाइल की निशानदेही कर रहे हैं। जाहिर है जो सबसे बड़ा एतराफ़ है वो तो ये है कि उनका मैंडेट जाली है
और मुस्तफ़ा कमाल की ऑडियो में जहाँ 100% जाली मैंडेट की बात हो रही थी, यहाँ 200% तक पहुँच गई है। अगरचे कामरान टसूरी साहब जिस 200% जाली मैंडेट की बात कर रहे हैं वो अपनी हलीफ जमात मुस्लिम लीग नून के बारे में है। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ तो 100% है मगर कुछ जमातें तो ऐसी है जिनकी 200% है। वो ऑडियो में ये बता रहे हैं, वजाहत भी कर रहे हैं कि हमारी मुराद खुद उनसे ही थी, यानी मुस्लिम लीग नून का मैंडेट 200% जाली है। एक एतराफ़ यानी जाली मैंडेट के हवाले से है। दूसरी बात जो कामरान टसूरी साहब कह रहे हैं वो ये कि एक तो हमें कुछ मिल नहीं रहा है और ऐसी सूरत में अगर हमने इनका साथ दिया तो हमारे हाथ कुछ नहीं रहेगा। तो न वजारतें मिल रही है और न गवर्नरी, एक वजारत पर इक्तफा करना पड़ेगा। लोग हमसे इसलिए नाराज़ है कि हमने PDM का साथ दिया था और अब जब हम गवर्नरी भी ना मिले, वजारत भी ना मिले, सिर्फ एक वजारत पर इक्तफा करना पड़े तो ये हमारे लिए एक मुसीबत होगी और लोग हमसे नाराज़ होंगे, फिर हमारे पल्ले कुछ नहीं रहेगा। क्या MQM के पास इख्तियार है कि वो मुस्तकबिल के हवाले से अपनी मनमर्जी से कोई फैसला कर सके, ये एक अलग सवाल है। लेकिन कामरान टसूरी की गुफ्तगू से ये भी आया है कि वो साफ साफ इस बात का इदराक कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत का साथ देना एक घाटे का सौदा है। कामरान टसूरी की गुफ्तगू से पता चल रहा है कि PMLN उन्हें सिर्फ एक वजारत दे रही है और दूसरी अहम बात यह कि गवर्नरी उनको नहीं मिल रही है। कामरान टसूरी ये कह रहे हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को ये पता है कि PMLN किसको गवर्नर बनाना चाह रही है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान हुकूमत साजी का जो फार्मूला तय हुआ है उसमें 2 सूबों के गवर्नर्स पीपल्स पार्टी से आएंगे और 2 सूबों के गवर्नर्स PMLN तय करेगी। तो PMLN के पास सिंध का जो सूबा है वो है और खैबर पख्तूनख्वा का है। PMLN इन 2 सूबों में अपने गवर्नर्स ला रही है। तो अब जब ये पता चल रहा है कि MQM को गवर्नर नहीं मिल रहा तो आप अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर जो गवर्नर लाया जा रहा है वो या तो बशीर मेमन होंगे या इसी तरह के कोई आदमी होंगे, या फिर अगर कोई दबाव काम कर गया और MQM को जिन लोगों ने ये जाली मैंडेट दिया है उस दबाव ने अगर PMLN पर कोई असर दिखाया तो शायद फिर MQM का गवर्नर बरकरार रह सके। लेकिन इस सूरत में भी MQM के अंदर एक तनाज़ा मौजूद है जिसकी मैं अभी निशानदेही करता हूँ। मगर जो अहम बात है जो कामरान टसूरी की गुफ्तगू से पता चल रहा है वो ये कि पीपल्स पार्टी शदीद मुखालफत कर रही है कि MQM का गवर्नर सिंध में ना आने दिया जाए। गोया PMLN के लिए ये मामला फयाजी वाला भी अब नहीं रह गया है, उन्हें अपनी हुकूमत बचाने के लिए पीपल्स पार्टी की मदद दरकार है और पीपल्स पार्टी सिंध में MQM का गवर्नर नहीं देखना चाहती, यानी वो कह रहे हैं कि PMLN अपना कोई दूसरा गवर्नर लाए। आज पूरा ही दिन गवर्नर सिंध कामरान टसूरी का ये समय फीता ज़ेर बहस रहा जिसमें अंदाज़ा हो रहा था कि पूरे मुल्क में इंतखाबी धांधली के हवाले से जो शोर है उस पर सबसे बड़ी गवाही खुद हुकूमत की इत्तेहादी जमातों की तरफ से एक दूसरों के खिलाफ दी जा रही है। आज ही के दिन इलेक्शन कमीशन में PTI की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत का हुई और इस केस का फैसला महफूज कर लिया। अगरचे कौमी असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया गया है और यह भी एक मुतनाज़ इजलास साबित होगा, मगर इम्कान ये है कि शायद रात या किसी पहर इलेक्शन कमीशन ये फैसला सुना दे, क्योंकि सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास तलब नहीं किया तो उसका सबब उन्होंने ये बताया था कि कौमी असम्बली का इजलास पूरा नहीं है और मखसूस नशिस्तों का फैसला अभी तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। हो सकता है कि इजलास शुरू होने से पहले तक कौमी असम्बली के इस एतराज़ को जो सदर मुमलिकत की तरफ से हुआ है वो दूर कर दिया जाए और इलेक्शन कमीशन कोई फैसला सुना दे। लेकिन जब हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं तो अभी तक इलेक्शन कमीशन का फैसला नहीं आया है और MQM और PMLN के दरमियान अभी तक कोई बाज़ाब्ता गुफ्तगू शुरू नहीं हुई है। इत्तलात ये है कि आज जब शहबाज शरीफ साहब एक इशाइया दे रहे हैं तमाम अरकान कौमी असम्बली का, उसमें MQM शिरकत करने जा रही है। MQM के अरकान को कल ही बता दिया गया था कि वो इस्लामाबाद पहुंच जाए। कुछ अरकान जो नए कौमी असम्बली का पहली दफ़ा हिस्सा बन रहे हैं वो गुज़िश्ता रोज़ ही इस्लामाबाद पहुंच गए थे और कुछ आज रवाना हुए हैं। आज ये तमाम अरकान शहबाज शरीफ के इशाइये में शरीक होंगे, उसके बाद कोई बातचीत इनके दरमियान होगी। अब MQM को क्या मिलता है और क्या नहीं ये तो एक बात की बात है, लेकिन MQM ने
पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से एक सबसे बड़ी FIR दर्ज करा दी है। मुस्तफ़ा कमाल की ऑडियो हो या फिर गवर्नर सिंह कामरान टेसोरी की ऑडियो, ये दोनों ऑडियो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के इंतखाबी अमल पर और उसकी धांधली ज़दा होने पर सबसे बड़ा केस बनाती हैं। गवर्नर सिंह ने अपनी ऑडियो से मुतालिक अभी तक कुछ भी नहीं कहा, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जब मुस्तफ़ा कमाल की ऑडियो सामने आई थी तो मुस्तफ़ा कमाल साहब, जिनसे हम ये तवक्को ही कर रहे थे कि वो इस मामले में ज़्यादा खजालत आमेज़ रवैया इख्तियार करेंगे और ज़्यादा मुश्किलात में अपनी जमात को डालेंगे, उन्होंने सामने आकर अपनी ऑडियो का एतराफ़ किया और कहा कि ये जो ऑडियो थी ये मेरी ही ऑडियो थी। उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ और क्या बातें हुई, तो उसमें ये बता रहा हूँ कि PMLN के दोस्तों से जब हमने ये बात की कि भाई आपकी मीटिंग जो है वो पीपल्स पार्टी से कैसी रही, तो PMLN के दोस्तों ने हमें बताया कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि PMLN और पीपल्स पार्टी के मिलने के बाद MQM की जरूरत नहीं है। तो मैं अपने लोगों को बता रहा हूँ, राबता कमेटी ब्रीफ कर रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं हमारे नंबर पूरे हैं। ये मीटिंग हो रही है राबता कमेटी से और उस राबता कमेटी के कमरे में मेरी ये वॉइस रिकॉर्डिंग कोई कर रहा है। बहुत दिनों से हमें ये इत्तला थी कि हमारे रैंक्स एंड फाइल में कोई MQM लंदन के लोग बैठे हुए हैं और वो उनके लिए काम कर रहे हैं। हमें पता नहीं चल पा रहा था, शक था कुछ लोगों पे, लेकिन हम कंफर्म नहीं हो पा रहे थे। इस ऑडियो ने हमें तमाम फॉरेंसिक जब हमने इसका चेक कराया, मालूम करा, तो हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि कौन है जो राबता कमेटी में बैठकर MQM लंदन के लिए काम कर रहा है, क्योंकि ये ऑडियो रिलीज जो की है वो लंदन ने की, जो उनका एक घुसबैठिया हमारे दरमियान बैठा हुआ है, जो उनका एजेंट बैठा हुआ है, उसने उसकी पकड़ाई दे दी है। तो जिस चीज का हमें बहुत दिनों से इंतजार था, कोशिशों में लगे हुए थे, इस ऑडियो लीक के जरिए हमें उस पर्सनैलिटी का पता चल गया कि जो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। आपने मुस्तफ़ा कमाल साहब की गुफ्तगू सुन ली, इस गुफ्तगू से दो नतायज अख़्ज़ होते हैं। पहली बात तो यह है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक रास्ता निकालने की कोशिश की और ये कहा कि दरअसल इस तरह तो जो है वो MQM के अंदर जो एक लंदन ग्रुप मौजूद है वो बेनकाब हुआ है। लेकिन मैं आपको अपनी मालूमात की बुनियाद पर बताता हूं कि अभी तक मुस्तफ़ा कमाल साहब किसी भी आदमी को मुशख्खस नहीं कर सके या अभी तक किसी आदमी को आइडेंटिफाई नहीं कर सके हैं कि कौन इस पर्दे जंगारी के पीछे है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो कहा कि ये मेरी ऑडियो है, इससे अब ये रास्ता भी बंद हो गया है कि कामरान टेसोरी साहब अपनी ऑडियो की तरदीद कर दें, क्योंकि ये जिस इजलास के हवाले से गुफ्तगू हो रही है उसमें तकरीबन सभी लोगों ने एक ही तरह की गुफ्तगू की है और इस गुफ्तगू में कई लोगों ने हिस्सा लिया है और सब लोगों ने इससे मिलती जुलती ही बातचीत की है। हो सकता है कि मज़ीद ऑडियो लीक्स भी हों, लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें ये कि MQM के एक ग्रुप के हवाले से कोई ऑडियो सामने नहीं आई, दो अलग अलग ग्रुपों की ऑडियो लीक्स हुई है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है ये दरअसल 3 जमातों का एक जबरी इत्तेहाद था जो इलेक्शन के दिनों में PTI से निमटने के लिए जबरी तौर पर बनाया गया था। इस इत्तेहाद का हिस्सा 3 ग्रुप बने थे, उनमें एक तो PSP थी मुस्तफ़ा कमाल की पाकिस्तान सरजमीन पार्टी, दूसरा जो है वो फारूक सत्तार का एक ग्रुप था जो PIB ग्रुप कहलाता था और तीसरा बहादुराबाद ग्रुप यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कहलाता था। तो ये 3 ग्रुप जो इकट्ठे हुए हैं उसमें गवर्नर सिंह के बारे में एक तासुर यह दिया जाता है कि वो फारूक सत्तार के ज़्यादा करीब है, अगरचे गवर्नर सिंह की ताकत के जो ज़राए हैं वो उनके पार्टी के अंदर नहीं है बल्कि बाहर है, लेकिन बहरहाल उनके बारे में ख्याल किया जाता है। और गवर्नर सिंह को इन 3 ग्रुपों में अब कोई भी पसंद नहीं करता, वो कहीं और से मुसल्लत किए गए हैं, लिहाजा गवर्नर सिंह की ऑडियो आ गई है। दूसरा जो ग्रुप है वो मुस्तफ़ा कमाल का है, मुस्तफ़ा ग्रुप को बाकी 2 ग्रुप पसंद नहीं करते और उनके साथ एक दिन भी निभा नहीं करना चाहते, मगर चूंकि मुस्तफ़ा कमाल को एक तरह से हवाले किया गया था MQM के और उनको कहा गया था कि आपके बाकी सियासी मुस्तकबिल का इनिसार मुस्तफ़ा कमाल को कबूल करने पर है, लिहाजा मुस्तफ़ा कमाल तू अनुकरण MQM के बाकी ग्रुपों ने कबूल किया है और उनके ख़िलाफ़ MQM के सफ़ों में एक रिजेंटमेंट अभी भी मौजूद है। तो मुस्तफ़ा कमाल की भी ऑडियो आ गई है। अगर किसी की ऑडियो सामने नहीं आई है तो वो तीसरा ग्रुप है यानी वो मेन ग्रुप है और वो है MQM पाकिस्तान का ग्रुप। अब अगर आप मुस्तफ़ा कमाल की ऑडियो के हवाले से इस तनाजुर में जायज़ा लें तो फिर ये कहा जा सकता है कि वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के असल ग्रुप पर ही एतराज़ उठा रहे हैं। लेकिन
बहरहाल अब इसका अंदाजा कुछ दिनों में हो सकेगा, जब अगर एमक्यूएम के किसी और जो तीसरा ग्रुप है उसकी कोई ऑडियो सामने नहीं आती तो ये इल्ज़ाम जो है वो ज़्यादा मुस्तहकम हो जाएगा और ज़्यादा ज़ेर बहस भी आएगा। अभी तक के लिए बिल्कुल वाज़े है कि इंतखाबी धांधली के हवाले से ये लोग जो आपस में बातचीत कर रहे हैं और मुख्तलिफ जमातों के हवाले से बातचीत कर रहे हैं, इससे ये पूरा इंतखाबी अमल जो पहले ही बेहद मशकूक था मज़ीद जो है वो शकूक के दायरे में आ गया है। और ये उस दिन बात हो रही है जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर मखसूस नशिस्तों का फैसला महफूज करके बैठे हैं और वो किसी भी सूरत तहरीक इंसाफ को उनकी नशिस्तें नहीं देना चाह रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से एक तंज सोशल मीडिया पर यह किया जा रहा है कि अगर जो बाइडन को डोनाल्ड ट्रंप को हराना है तो फिर उस सूरत में उन्हें पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी सिकंदर सुल्तान राजा की खिदमत हासिल करनी चाहिए। तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब के जो रुझानात हैं, मैलानात हैं और उनके जो अंदाज़ और तेवर हैं वो इतने ज़्यादा अलम नशरा हो चुके हैं कि अब इस पर बात करने की सिरे से कोई ज़रूरत ही नहीं है। एमक्यूएम के रहनुमाओं की इन ऑडियो से ये अच्छी तरह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एमक्यूएम खुद अपने ही खिलाफ एक खुदकुश हमला कर रही है और अपने इत्तेहादियों के लिए भी एक खुदकुश हमलावर साबित हुई है। मैं बार बार बतकरार बसद इसरार ये कहता रहा हूँ कि एमक्यूएम के साथ कोई भी ताल्लुक़ रखने वाला हमेशा खजालत आमेज़ हालात में अपने आप को पाता है और एमक्यूएम के साथ मामलात करने के बाद उन्हें एक सुबकी का सामना करना पड़ता है। पिछली तीन दहाइयों की सियासत में ये जिनके साथ भी इत्तेहादी रहे हैं उन सब के लिए मसाइल ही पैदा किए हैं और अब ये जो अंगर खंगर बचा है, ये जो काट कबाड़ बचा है, जो अवामी मैंडेट भी नहीं रखता, जो जाली मैंडेट के साथ नशिस्तों पर कब्ज़ा करके बैठे हैं, ये अब न सिर्फ इस पूरे निज़ाम को नंगा कर चुके हैं और अपने लाने वालों के लिए भी खजालत का सामान पैदा कर चुके हैं और मज़ीद पैदा कर रहे हैं, वहीं वो अगली इत्तेहादी हुकूमत के लिए भी ये मसाइल पैदा कर चुके हैं कि ये जो हुकूमत है ये जाली मैंडेट की है, यानी मुस्तफ़ा कमाल के अल्फाज में 100% और कामरान टेसोरी के अल्फाज में 200%। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ क्या सलूक उनकी हलीफ जमातें करती हैं, पीपल्स पार्टी उन्हें कितना स्पेस देती है और पीएमएलएन उन्हें कितना स्पेस देती है, ये एमक्यूएम की ताकत और कुव्वत पर अब मुनसिर नहीं रह गया बल्कि दरअसल एक दबाव पर मुनसिर रह गया है जो एमक्यूएम को तहफ़ुज़ दे रहे हैं। अगर वो दबाव मौसर रहा तो एमक्यूएम की किसी हद तक दिलजोई हो सकेगी, लेकिन हम अभी से मुस्तकबिल की इस हुकूमत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एक मुतनाज़ असेंबली के ज़रिए वजूद में आएंगे और ये इत्तेहादी हुकूमत कितने मसाइल से दो चार होगी जब एमक्यूएम के साथ ये सलूक हो चुका होगा। पीपल्स पार्टी पीएमएलएन की ज़्यादा हिमायत नहीं कर पाएगी, पीएमएलएन के अंदर मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें हैं और पीटीआई एक शदीद एहतजाज के साथ सड़कों को गरमाते हुए कौमी असम्बली में मजबूत अपोजिशन देगी और हफ्ते के रोज़ जब पीटीआई अपना दोबारा एहतजाज शुरू करेगी और इमरान खान के मुकदमात अदालतों में जेर बहस आएंगे और रोज़ की बुनियाद पर ये मामला जब आगे बढ़ेंगे तो इस हुकूमत के लिए आगे चलना कितना दुश्वार होगा। फिर यही वो हुकूमत होगी जिसे IMF के साथ मामला तय करने हैं और एक दबाव के साथ मामला तय करने हैं। एमक्यूएम का मौजूदा रवैया इस हुकूमत के लिए मुश्किलात ही पैदा करता रहेगा, पीपल्स पार्टी भी इस हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करती रहेगी। इसके लिए पीएमएलएन ने एक हल ये निकाला है और वो 15-20 नशिस्तों का मज़ीद इजाफा करना चाह रही है, इसलिए पूरे इंतखाबी अमल में जो एमक्यूएम की तरफ से 100 और 200% जाली कहा जा रहा है वहाँ अब मज़ीद पीएमएलएन के लिए नशिस्तों की छीना झपटी हो रही है, इक्का दुक्का नशिस्तें किसी न किसी तरह से हासिल करके और पीटीआई से छीन कर पीएमएलएन को दी जा रही है। अगर ये 15-20 नशिस्तें दे भी दी गई तब भी पीएमएलएन कितनी कमज़ोर होगी इसका अंदाज़ा लगाना दुश्वार नहीं है, क्योंकि रोज़ ही कोई मुस्तफ़ा कमाल और कामरान टेसोरी इस हुकूमत के लिए खजालत का सामान पैदा करते रहेंगे। आज के लिए यही कुछ, मोहम्मद ताहिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।